कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एक वीरांगना श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज बलिदान दिवस है। किस तरह उन्होंने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी देश की एकता और अखंडता के लिए, और इतिहास में ये अमर हो गए। हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। हमने इनके आज कार्यकलापों को याद करते हुए कैसे इन्होंने देश को आगे प्रगति के पथ पर ले जाया, और इनके पिता श्री जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आगे इनके सुपुत्र राजीव गांधी जी, इस परिवार का भारत के प्रगति के लिए एक विशेष योगदान है जिसको नहीं भुलाया जा सकता। और आज इनके बलिदान दिवस पर हमने ये शपथ लेनी है, केवल औपचारिकता नहीं निभानी, ये शपथ लेनी है कि हम भारत देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे, देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। और जिस आतंकवाद ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ग्रास लिया, उस आतंकवाद भ्रष्टाचार को देश से ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे, ये आज हमने प्रण लेना है। और हमने देश की एकता और अखंडता के साथ साथ अपनी कांग्रेस पार्टी की एकता और अखंडता के लिए भी कार्य करना है। हमने किसी भी, आज हम शब्द लेंगे कि किसी भी पॉइंट पर हमने अपनी पार्टी को किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट पे हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, अपनी पार्टी को मजबूत करना है और अपनी पार्टी को देश में फिर बागडोर, देश की बागडोर संभालनी है। ये जो बीजेपी जो टेम्परेरी लोग भूल गए, अपने मन भावन लुभावने वाक्यों से, उसको आज लोग पछता रहे हैं। और अब जो आने वाला जो आगे इलेक्शन है 2019 में लोकसभा का, आज हमने शपथ लेनी है कि पार्टी किसी को भी हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी बनाएगी। हमने उस प्रत्याशी को जिताने के लिए भरसक प्रयत्न करना है और उसको जिताना है, और भारत में कांग्रेस सरकार बनानी है, लोकसभा में कांग्रेस सरकार बनानी है, ताकि भारत देश और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। यही मेरे श्रद्धा सुमन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चरणों में है। जय जय भारत। चरणों लाने के लिए जो तागीद की है, हम उसको अमल करेंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच भटियात से श्री सुभाष शर्मा जी हैं। मैं इल्तिजा करूंगा कि सुभाष शर्मा जी आएँ और श्रीमती इंदिरा गांधी की जीवनी पर वो भी रोशनी डालें। देखिए, कहा गया हमारी लोह महिला के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 1984 में आज के ही दिन उनके ही सुरक्षा गार्डों द्वारा माननीय इंदिरा गांधी जी को शहीद कर दिया गया था। और संयोग की बात है कि उसके पहले दिन भुवनेश्वर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा था कि मैं भले ही जीऊँ या मरूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मेरे खून का एक एक कतरा देश की एकता और अखंडता के काम आए। तो इस प्रकार से थी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो बहुत नाजुक हालात थे देश के, अंदर के भी और बाहर के भी। ताज़ा वो युद्ध भी हुआ था पाकिस्तान के साथ, लाल बहादुर शास्त्री तो ताशकंद से हटके ही नहीं आ सके। तो देश में भी किसानों का, गरीबों का और बहुत बुरा अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल था। और इसको सुधारने के लिए सबसे पहला काम इंदिरा गांधी जी ने जो किया, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और क्या था कि उस वक्त बैंक में 1969 में बैंक में वही घुसता था जिसकी जेब में 500 रुपये होते थे,
उस 500 का मतलब आज का 5000 रुपया, तो उस वक्त 500 से कम का कोई व्यक्ति बैंक के अंदर नहीं घुस सकता था। तो सबसे पहला काम इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके 1969 में 14 बैंकों का, और 1980 में जब वो दोबारा पावर में आई तो 6 बैंकों का और किया और 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज ये जो भक्त लोग कहते हैं कि हमने धन धन चला दिया, फलाना चला दिया, ये तो सब उन्हीं महानुभावों का किया कराया हुआ है। इन्होंने किया क्या? आज ये कहते हैं कि 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने? अरे जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, वहां पर बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट, कल कारखाने, इसरो, IIM, IIT, ये किसके देन है? ये तुमने बना दिए 4 सालों में, ये कांग्रेस ने तो बनाए हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश को तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं। जब हिमाचल बन रहा था 1948 में, तो ये RSS वाले लोग, उस वक्त जनसंघ तो अभी बना नहीं था, ये विरोध कर रहे थे कि क्या है जी मंडी और चंबा को पंजाब में मिला दो, सिरमौर और मासू को उधर UP में मिला दो, बात खत्म करो, 4 तो जिले हैं। परंतु डॉक्टर परमार वहाँ पर अड़े और हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी जी ने विशाल हिमाचल दिया, तब भी इन लोगों ने विरोध किया। और विशाल हिमाचल के अंतर्गत हमें कांगड़ा और ये ऊना वगैरह जो हमारे उसमें आए। तो कहने का मतलब ये है, जब इंदिरा गांधी जी स्टेटहुड का दर्जा देने भी आई शिमला में भरी बर्फ में, तो भी इन लोगों ने, भक्त लोगों ने स्टेटहुड मारो ठूट का नारा दिया था। ऐसा इनका और कार्यकलाप रहा। तो मेरा तो ये कहना है कि आने वाले इलेक्शनों में कम से कम इन भक्तों को तो बाहर हिमाचल प्रदेश में तो वोट मांगने का कोई हक ही नहीं है। जो हिमाचल के निर्माण के ही विरोधी थे, उनको क्या उनको क्यों हिमाचल प्रदेश में वोट मांगने दिए जाए? तो वर्करों ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर होते हैं वो उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो आप लोग सब रीढ़ की हड्डी हैं, सब ने इकट्ठा होकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम करना है और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा, जय कांग्रेस। धन्यवाद शर्मा जी। अब हमारे बीच युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी की 34वीं पुण्यतिथि है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल आज तक का दूसरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है। उनका पहला कार्यकाल 1966 से 1970 तक रहा, जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध में विजय हासिल करी, ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहा जाता था उस पर भी विजय हासिल करी। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था जो थी युद्ध के बाद बहुत ख़राब हो गई थी, तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत सुधार करा। उसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 तक रहा, जिसमें हमने चंद्रयान मंगलयान तक के सफ़र तय किए। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स, जितने भी अभी पंडित जी ने कहा, शर्मा जी ने, कि जो भी बड़े बड़े सफ़र तय किए, बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, वो इंदिरा गांधी जी की देन है। इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। 1999 में एक BBC द्वारा एक सर्वे कराया गया ऑनलाइन, इसमें इन्हें लेडी ऑफ मिलेनियम भी कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम सब के लिए। उनके बलिदानों को कोई कांग्रेसियन या कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भुला सकता। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी है। मैं युवा कांग्रेस की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा कांग्रेस। जगदीश हांडा भाई हैं, वो आए। बोलो बोलो। यहाँ पे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने उस समय पद संभाला जिस समय शायद महिलाओं को कुछ माना नहीं जाता था हिंदुस्तान में। उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की जिससे कि आज
जो महिलाएं हैं उनको एक नया एक रूप मिला और उन्होंने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए और आने वाले भविष्य में जो युवा महिलाएं हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। बाकी सभी ने इनके बारे में कहा है, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धन्यवाद। आज का दिन 31 अक्टूबर सन 1984 का जो दिन था वो हमारा कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही मनहूस दिन था, जिस दिन हमारी पूर्व में रही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अपने ही अंगरक्षकों ने उनका देहांत कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो काम, जो कार्यप्रणाली, जो विचारधारा उनकी रही है, उसने पूरे भारतवर्ष को संजोया है, तरक्की की राह पर ले गई है। कहाँ से कहाँ तक, आपने जैसे पहले भी बोला, कहाँ से कहाँ तक हमारा भारतवर्ष पहुँच गया है, ये सारी देन जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है। हमें इशारा किया गया है कि अभी संगठन के बारे में नहीं बोलना है, पार्टी के बारे में नहीं बोलना है, सिर्फ श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में बोलना है। तो हमें आज ये शपथ लेनी है, आज ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम सब जो श्रीमती इंदिरा गांधी की विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी के प्रति या हमारे किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति और महिलाओं के प्रति, उस विचारधारा को हमें संजोना है और उस विचारधारा पर हमने कायम रहना है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी को होगी। धन्यवाद। जगदीश हांडा जी आएंगे और श्रीमती इंदिरा गांधी पर ये भी अपने भाव। तो इसे क्या नादानी हुई, अरे ओ गुलची तू इसे क्या नादानी हुई, फूल वो तोड़ा के सारे गुलशन में वीरानी हुई। उपस्थित महानुभाव, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज इंदिरा जी का शहीदी दिवस सारे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इंदिरा जी की रोशनी के ऊपर, जीवनी के ऊपर रोशनी डाली। वो एक बड़ी महान शख्सियत थी, बहुत महान नेता थी और बहुत महान एक देवी स्वरूप थी, जिसको के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लोकसभा के अंदर माँ दुर्गा की संज्ञा दी थी कि ये इंदिरा जी जो हैं ये दुर्गा रूप हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और पाकिस्तान को प्रस्त किया, पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए, अमेरिका बीच में आया और कहा कि सीज फायर करो, बख्श दो पाकिस्तान को, नहीं तो अगर वो सीज़ फायर नहीं होता तो हमारे फौजी जो थे वो सुबह चाय का जो नाश्ता था वो पाकिस्तान के अंदर करते। मगर बिचौला अमेरिका बना और उसने जो था हिंदुस्तान को मजबूर किया कि बख्श दो इसको, बख्श दो। तो वाजपेयी जी ने भी उनकी इस शख्सियत को देखते हुए लोकसभा के अंदर उसे, उन्हें दुर्गा रूप दिया था। मोदी जी, आप जिस परिवार को ये आप कोस रहे हैं, जरा अपने उन नेताओं का सम्मान करिए। कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के प्रधानमंत्री, आपके मुखिया, उन्होंने भी इंदिरा जी को दुर्गा रूप कहा था और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया उस परिवार ने। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, मैं सिर्फ चंद एक बातें कह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इंदिरा जी ने इस देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ज़माना वो था, जैसे शर्मा जी ने कहा कि बैंकों का नेशनलाइज किया, एक ज़माना वो था कि गरीब आदमी बैंकों की तरफ देख भी नहीं सकता था। बैंक जो थे बड़े सेठ साहूकारों के लिए होते थे, इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइज किया। उस वक्त गाँव के अंदर गरीबी थी और गरीब जो था साहूकारों से पैसा लेते थे,
सौ कारमू मांगा ब्याज उनसे वसूल करते थे, 5,000 की चीज 100 रुपए में रखते थे और फिर कहते थे कि भाई तू पक्की बात कर कि कब वापस करेगा। वो कहता था 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कौन सी डेट, फलानी डेट, अगर नहीं हुआ तो तेरा ये माल जब्त हो जाता है। फिर क्या हुआ, जिस दिन वो पैसे देने की डेट होती थी वो सेठ गायब हो जाता था। उसके 2-3 दिन के बाद फिर घर आता था तो जो सौकार के पास जिसके पास गिरवी चीज थी वो उसे छुड़ाने को जाता था, कहता था अब तो तेरा करार खत्म हो गया, अब तेरा करार खत्म हो गया, 5,000 की चीज़ जो थी 500 के अंदर मिट्टी हो जाती थी। इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइज किया, बैंकों के दरवाजे गरीब आदमियों के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, मेहनत कशों के लिए, जमींदारों के लिए खोल दिए। और वो उनकी दूर की सोच थी कि ये पर्वती ग्रामीण बैंक, क्योंकि शहरों के अंदर तो इसका फायदा शहर के लोग ही ले सकते थे, लेकिन इंदिरा जी ने अपनी सूझबूझ से हर गांव गांव के अंदर बैंक खोले और उनका नाम पर्वतीय ग्रामीण बैंक रखा। आज खुशहाली इसी वास्ते है, आज वो जमाना भी था जिस वक्त गरीब आदमियों के पास, गांव वालों के पास एक घोड़ा खच्चर खरीदने के लिए औकात नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, गाय भैंसें जो होती थी वो हमारे शहर वालों के वहाँ उनकी होती थी और उसको हम जाए सोए पे देते थे कि जिस वक्त वो गाय जो थी वो दूध देने लगती थी तो वो मालिक ले आते थे और उस गाय का जो बछड़ा था या बछड़ी थी उसको फिर वो जो पाल पोस के किसान जो था वो उसका फिर उसका हक होता था। लेकिन आज बैंकों के दरवाजे खुले, जो मर्जी जितना मर्जी ले जाइए आप, ये बात रही। इसके साथ ही साथ इंदिरा जी की बड़ी एक सोच थी कि नारी शक्ति को जो समानता का दर्जा दिया महिलाओं को तो इंदिरा जी ने दिया। एक जमाना वो भी था, एक वक्त वो भी था कि माँ बाप की जायदाद के ऊपर बच्ची का बेटी का कोई हक नहीं होता था, लेकिन ये भी इंदिरा जी ने किया। और ख़ासकर ये बात कि जो ट्राइबल के मेरे भाई हैं, ट्राइबल के लोग हैं, जो कुछ इंदिरा जी ने किया ट्राइबल के लिए वो भी एक सराहनीय कार्य है। एक वक्त वो हुआ करता था कि जितना भी स्टेट का बजट था वो शहरों के अंदर या डेवलपमेंट एरिए थे उसमें ही खर्च होता था और जो जनजाति के इलाके थे, दूर दराज के इलाके थे, जो बड़ी कठिनता के साथ अपना जीवन निर्भर करते थे उन्हें कोई नहीं पूछता था। इंदिरा जी ने एक स्पेशल ट्राइबल प्लान बनाया ताकि उस ट्राइबल प्लान का पैसा जो है कोई दूसरे डेवलपमेंट एरिए के अंदर ना खर्च हो। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें इंदिरा जी की और कांग्रेस पार्टी की बनाई। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आज सच्ची श्रद्धांजलि तो हमें एक यही देनी है कि इंदिरा जी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलें, इस देश की एकता को खंडित करने वाली जो शक्तियां हैं हम सब उनका डट करके वो उनके साथ मुकाबला करें और इस देश से उनको जो सत्ता से है वो बेदखल करें। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी इंदिरा जी के लिए यही होगी। जय हिंद, धन्यवाद। इंतजार करूंगा ये आए और श्रीमती इंदिरा गांधी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय है, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये सारा कार्यक्रम जो है आज का होने जा रहा है। तो नारी शक्ति भी आज यहाँ पे बैठी हुई है, आप सब हैं कांग्रेस जन। जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने ये सारा ब्रीफ कर दिया इंदिरा गांधी जी के बारे में, मैं सिर्फ थोड़ा टाइम लूँगा क्योंकि वर्किंग डे है, सारे काम काज के अंदर लगे हुए हैं सब। तो आज का जो ये आयोजन, आज का जो ये कार्यक्रम रखा हुआ है ये सिर्फ चंबा के अंदर नहीं है, हिमाचल प्रदेश, सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है शहीदी दिवस, या इसको ये भी कह सकते हैं कि सद्भावना और एकता, क्योंकि एकता के लिए इन्होंने अपने बलिदान दे दिए। राजीव गांधी जी ने की बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, ये सारे एकता के लिए, एकता और अखंडता के लिए भारतवर्ष की। इनकी अपनी सोच थी लोगों के लिए काम करने की, देश की एकता को बनाए रखने के लिए। तो बाकी ज़्यादा ना कहता हुआ मैं, आज का ये जो कार्यक्रम के अंदर हम ये शब्द लें कि हम सब इकट्ठा रहें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और देश की प्रगति के लिए
अपना योगदान दी। धन्यवाद। रहूं ना रहूं मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आ जाए, मुझे अपने प्राण भी अपने वतन अजीज पे कुर्बान करने पड़ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। जी हाँ, यही वो अल्फाज हैं जो शहीद होने से एक दिन पहले गुजरात के एक जलसे आम में आज हानिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहे थे। आज हम उन्हीं को अपने सच्चे सुच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि के फूल इस महाकुंभ में डालने के लिए, इस आहुति देने के लिए आए हैं। आज हानिय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी अपने 18 साल अहद हकूमत में उन्होंने इस देश की खातिर जो जो काम सर अंजाम दिए वो जग जाहिर हैं, किसी से छिपे नहीं हैं। और उनके ये काम देखकर उस ज़माने की हिस्ब इख्तलाफ भी सहृदय ये पुकार उठी कि ये रणचंडी है, ये दुर्गा माँ है। उनके कार्यों को हम आप और तारीख कभी भी ना भुला सकती है। उन्होंने राजाओं के प्रीवी पर्स बंद किए और एज ए भावा जो न्यूक्लियर फादर थे उनकी राय लेकर खला में आर्यभट्ट उस जमाने में छोड़ा। कामयाबी से उस जमाने में एशियाई गेमों का यहाँ पर चलन करवाया और कलम की एक ही लकीर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश को आज़ाद करवाना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो सबसे बड़ी उनकी देन थी, जिन्होंने उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इस देश के सभी वर्गों को जो उपेक्षित थे, जो दत्कारे हुए थे, ललकारे हुए थे, उन सब के लिए एक ऐसा कानून बनाया जिसके जरिए वो जन जन तक पहुंची और उन्हीं उच्च मूल्यों की खातिर वो इस देश की एकता व अखंडता के लिए शहीद हुई। ये लाजिम है कि आने वाली नस्लें, नई पीढ़ियां, नए हमारे साथी जिंदगी के उन उच्च मूल्यों को एक देश कीमत खजाना समझकर संभाले और अपने जीवन के श्रीमती इंदिरा गांधी के कारवां को समेटते हुए मैं इल्तिजा करना चाहूँगा हमारे बीच बैठे नीरज नैयर जी। वो आज सब जानते हैं 31 अक्टूबर जो है 1984 में मुझे स्मरण है कि मैं शायद 8वीं कक्षा के अंदर था और स्कूल के अंदर हमने ये खबर सुनी कि ऐसे इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड्स हैं उन्होंने ही उन पर गोली दागी और इन्फॉर्मेशन पहले ये आई कि उनको एम्स में भर्ती किया गया है और उनका उपचार चल रहा है। सच्चाई ये थी कि मौके पे ही इतनी गोलियां, 26 गोलियां मेरे ख्याल 36 गोलियां उनको लगी और मेरे ख्याल मौके पर ही वो शहीद होगी। लेकिन उस वक्त एक ऐसा वक्त था कि ज्ञानी जैल सिंह जी हिंदुस्तान से बाहर थे और राजीव गांधी जी कलकत्ता में कोई मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, तो एक ऐसा वक्फा था कि डॉक्टर शायद अनाउंस नहीं कर सकते थे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो नहीं रहे, तो इसलिए राजीव गांधी जी का आने का इंतज़ार किया गया और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि इंदिरा जी अब हमारे बीच नहीं रही। ये मुझे आज भी स्मरण है। आप लोग सब यहाँ बुजुर्ग हैं वो तो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन जो हमारी यहाँ छोटी बच्चियाँ हैं, हमारे यूथ के लड़के हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गांधी परिवार और ख़ास तौर पर इंदिरा गांधी जी का भारत को आज इस मकाम तक पहुँचाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम बचा है क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से डिटेल में आप लोगों को सब कुछ बताया इंदिरा गांधी जी के कार्यों के बारे में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बोली जो रह गई शायद, वो ये है कि जो आपको ज़मीनों का मालकाना हक जो है वो भी इंदिरा गांधी जी की देन है। आप लोगों को, आप तो छोटे हो, आपके जो माता पिता हैं शायद उनको ये
टाइम याद होगा कि जमींदार लोग जो थे सारी ज़मीनें उनकी होती थी, आप लोग किसान लोग उन ज़मीनों को बोते थे और हम भी जमींदार थे उस टाइम पर, और हमारी भी बहुत सारी ज़मीनें जंगल थे। और उस वक्त इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने एक ऐतिहासिक जो फैसला था, ये पार्टी का फैसला था जो उन्होंने लिया, और उससे जो सारी ज़मीनें थी जो बोता था वो ही ज़मीनें उनकी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था उस टाइम का। और साथ में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, हमारे जो किसान लोग थे वो साहूकार लोगों के पास ऋण मांगते थे। आज भी जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, आप जानते ही होंगे, अगर बैंक ब्याज 1.5% साल पर देता है तो प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं 10% पर देते हैं महीने का, या 6 पे या 8 पे, या चलो जो भी 120% साल का हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि इस परिवार ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए, और जब उन्होंने ऐसे फैसले लिए तो कुदरती ये बात है कि एक बहुत बड़ा भारी तबका जो है वो उनसे नाराज हो गया। और वो तबका कौन सा था? जो धनी लोग थे, जिनका वर्चस्व था, उनके विपरीत ऐसा फैसला करना उस समय एक बहुत ही कठिन बात जो है मानी जाती थी। इसीलिए इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि जैसे लौह पुरुष बोलते थे ना, वैसे उनको अंग्रेजी में आयरन लेडी का उनको अमेरिका या ब्रिटेन ने उनको एक खिताब जो है दिया था इंदिरा गांधी जी को। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समय आज श्रद्धांजलि देने का है, लेकिन क्योंकि बात उठी है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान को जो है हिंदुस्तान के आगे घुटने टेकने पड़े। और हांडा जी ने ठीक बोला, अगर अमेरिका बीच में नहीं पड़ता तो शायद पाकिस्तान जो है, हमारी फौजें जो हैं पाकिस्तान में जाके नाश्ता कर रही होती। और मुझे ये भी स्मरण है जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ, और उस वक्त हिंदुस्तान तैयार नहीं था, वो युद्ध हमने हारा, और जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा झटका लगा, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई के आपने नारे तो सुने होंगे उस टाइम, जो पुराने लोग हैं, तो हिंदुस्तान के साथ धोखा किया गया था और एकदम चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया। और ये जो चीज़ है नेहरू जी समझ नहीं पाए और उनको ऐसा आघात लगा कि उसके बाद वो कभी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सके और फिर उनका देहांत हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, और जब इंदिरा गांधी जी आई तो आते ही उन्होंने पहले हमारी फौज को सशक्त किया, हमारी फौज की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई। और बाकी ये तो मैं मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ। आज महिलाओं को जो हक मिले हैं वो सारी इंदिरा गांधी जी की सोच है। आजकल कोर्ट कचहरी के अंदर किसी का तलाक हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो लेडीज को पूरा हक मिलता है। पहले ये चीज़ें कहाँ होती थी? ये जो सोच थी ये इंदिरा गांधी जी की सोच थी। ये चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस परिवार का देश के लिए इस परिवार ने बहुत कुर्बानी दी है। आजकल मीडिया के जरिए हिस्ट्री को, जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं भी देखता रहता हूँ टीवी, अलग अलग चैनल हैं, कोई इतिहास को ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है अपने तरीके से, लेकिन सच्चाई ये है जिसने गोली छाती पे खाई है इस परिवार ने, चाहे वो राजीव गांधी जी थे चाहे इंदिरा गांधी जी थी, किसी पे गोली मारी गई तो कुछ ऐसे फैसले तो लिए होंगे ना जो किसी को पसंद नहीं आए होंगे। और उनके मृत्यु से पहले, एक मेरे ख्याल से 15 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तलवीन सिंह एक बहुत फेमस एडिटर थी न्यूज़पेपर की और टीवी की भी, उस एडिटिंग में इंदिरा गांधी जी को ऐसा आभास हो गया था कि शायद अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, क्योंकि कुछ कठिन फैसले उन्हें लेने पड़े। कई बार राजनीति होती है, इसके अंदर आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद ठीक भी नहीं होते हैं, और उनको ऐसा आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत
होने वाला है। और जो आखिरी स्पीच उन्होंने दी, उन्होंने अभी गनी जी ने भी बताया, गुजरात के अंदर दी थी, और उन्होंने बोला कि मेरी ज़िंदगी का जो आखिरी खून का जो कतरा है वो हिंदुस्तान को सींचने में जो है काम आएगा। और मेरे ख्याल उस मीटिंग के बाद वो दिल्ली पहुंची और अगले दिन सवेरे जो है उनकी हत्या कर दी गई। तो आज के दिन मैं सोचता हूं कि कांग्रेस को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम अपने आपस के गिले शिकवे जो हैं वो छोड़ें, और आने वाले 2019 के जो चुनाव हैं उसमें जो है अपने इलाके से कम जो हमारा एरिया है वहाँ से हम कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त दिलाएं, ताकि हम कांग्रेस के हाथ मजबूत कर सकें, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत कर सकें, सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत कर सकें। और देश आज जो हमारी जो रेल है जो पटरी से उतर चुकी है वो वापस पटरी पर आ जाए। समय और चीज़ें बोलने का नहीं है। आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला, आज सब यहाँ इतनी भारी मात्रा में इकट्ठे हुए, तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय चंबा। भारत भाग्य विधाता पंजाब। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 31 अक्टूबर है और आज हम सारे कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी दिवंगत नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष की तरह आज के दिन भी सारे कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज हम ये सोचते हैं कि इंदिरा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सारे जो कांग्रेस के वर्कर हैं इकट्ठे चलें, मिलके चलें, और जो इंदिरा गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था उस पर हम, और जो उन्होंने हमें इकट्ठे रहने का जो एक पाठ भी पढ़ाया था उस पर हम चलें, और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से विजय दिलाएं। यही मैं सोचता हूँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।